हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैक्सिमा एंड मिनिमा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोर्ड एग्जाम जेई मेंस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जेई मेंस में, जेई में और अलग अलग जितने भी आप कॉम्पिटिशन देंगे सभी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यू हैव स्टडी वेरी केयरफुली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये मैक्सिमा मिनिमा क्या चीज है, मैक्सिमा और मिनिमा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकल। इसमें लोकल क्या होता है, लोकल एक वर्ड आता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये लोकल क्या है, आप अपने स्कूल की सिचुएशन पर देख लीजिए। स्कूल में अपनी क्लास को ही ले लीजिए, मान लीजिए कोई आपके स्कूल में क्लास के 12th के 2, 3, 4 इस तरह से कई सेक्शंस हैं और स्कूलों में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब सेक्शंस में क्या होगा, मान लीजिए आपके स्कूल में एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है और एक सेक्शन डी है। ये तो इसमें क्या करना है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, मान लीजिए आपके स्कूल में, मान लीजिए 12th में 4 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और इनका कोई एग्जाम हुआ। तो जब कोई एग्जाम होता है तो हम ये पता लगाते हैं फिर कि इसमें कौन से सेक्शन में कौन बच्चा टॉपर है, कौन स्टूडेंट टॉपर है। मान लीजिए सेक्शन ए में ये टॉपर हो गया, सेक्शन बी में ये टॉपर है, सेक्शन सी में ये टॉपर है, सेक्शन डी में ये टॉपर है, यानी ये क्या है, टॉपर। यानी कुछ बच्चे क्लास में टॉपर होते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सबसे लोएस्ट स्कोर करते हैं। तो लोएस्ट स्कोर में मान लीजिए इसमें इसकी सबसे कम स्कोरिंग है, इसकी सबसे कम इसकी है, इसमें इसकी है, डी में इसकी है। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे चारों सेक्शंस हैं, चारों सेक्शंस में सबसे जो ज्यादा मार्क्स है इसके हो गए, दूसरे सेक्शन में इसके हो गए, तीसरे सेक्शन में इसके हो गए, चौथे में ये हो गए। तो इसका मतलब है कि ये अपने अपने क्षेत्र के यानी अपने अपने एरिया के क्या है, बॉस हो गए, यानी अपने अपने एरिया के शक्तिमान है, टॉपर हैं। और इसमें इसके सबसे लोएस्ट स्कोर है अपने सेक्शन में, इसका सबसे लोएस्ट स्कोर ये हो गया, इसका सबसे स्कोर ये हो गया, इसका सबसे लोएस्ट ये हो गया। तो इस तरह से ये अपने अपने क्षेत्र में क्या हो गए, सबसे कम स्कोर वाले हो गए। तो इस तरह से अपने अपने क्षेत्र के क्या हो गए, ये टॉपर और लोएस्ट स्कोर करने वाले हो गए। तो लोकल मिनिमा का मतलब होगा, लोकल का मतलब अपने एरिया में। तो अपने एरिया में जब एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यू मिनिमा और मैक्सिमा की होती हैं तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, यानी लोकल वर्ड आ जाता है फिर। लेकिन इसके बाद अगर हम इन सब का टोटल ओवरऑल निकालें तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, अब इन चारों सेक्शन का ओवरऑल कैसे निकालें, यानी ओवरऑल का मतलब है कि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस स्टूडेंट के हैं चारों सेक्शंस में, लोएस्ट में कैसे निकालेंगे, चारों सेक्शन में सबसे कम किसके आए, यानी इसके हो गए सबसे हाईएस्ट
चारों में हाईएस्ट, और इसमें चारों में लोएस्ट। तो जो सबसे हाईएस्ट वाला स्कोर हो गया, तो यहां से जो सबसे हाईएस्ट होगा ये वहां इस पॉइंट सी पर होगा, ये इसको बोलते हैं हम जो सबसे ज्यादा मार्क्स आता है ओवरऑल हाईएस्ट वाला, उसको बोलते हैं ग्लोबल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। यानी इन सब का मिलाकर जब एक इसका एवरेज निकाल लिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट, यानी ठीक हो गया। तो इसमें अब सबसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये तो बात होगी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की। लोकल का मतलब क्या है, जैसे कि बात यहां आगे देखो, नाम से ही पता पड़ रही है हमारे, यहां पर लोकल मैक्सिमा यानी ये हो गया इस तरह से, या हमने एक क्रिटिकल पॉइंट ले लिया सी, यानी सी से जब हम लिमिट लेते हैं जिस तरह से, सी से इधर ले लिया सी माइनस एच, सी से इधर सी प्लस एच, तो हम क्या देखेंगे कि यहां से यहां तक वैल्यू चेंज होती है हमारी, और उसके बाद में यहां जीरो होकर उसके बाद में फिर वैल्यू चेंज होती है, और यहां एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे मैक्सिमम होती है। यानी जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो हमारी होगी लोकल मैक्सिमा वैल्यू। वैसे तो हम देखो लोकल मैक्सिमा इसका मतलब है कि इस सी की वैल्यू इसके सी प्लस एच और सी माइनस एच के बीच में होगी, यानी एक्स के स्थान पर हम कुछ भी वैल्यू रखते चले जाएं, लेकिन एफ सी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगी, तो उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। यहां कितने भी पॉइंट ले लीजिए, ये इस तरह से इधर सी के इधर या सी के इधर, यहां वैल्यू हमेशा सी से कम ही होगी। तो यहां से ये इसका रिजल्ट निकलता है कि सी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी सी प्लस एच और ग्रेटर देन होगी सी माइनस एच। यानी ये सी की वैल्यू हमेशा इसके सी प्लस एच और सी माइनस एच के क्या होगी, बीच में होगी। या ये कह दीजिए एफ सी माइनस एच लेस देन एफ सी लेस देन एफ सी प्लस एच, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। या ऐसे कह सकते हैं हम कि एफ सी ग्रेटर देन होगा किससे, एफ एक्स से, एक्स की वैल्यू चाहे हम कुछ भी रख दीजिए वेयर, यानी एफ सी हमेशा क्या होना चाहिए, एफ एक्स से ग्रेटर देन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रख दिए हम सी माइनस एच और सी प्लस एच के बीच में, एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख दें, ये हमारे इसकी रेंज हो गई। इनके बीच में अगर हम कुछ भी वैल्यू रख दें, एक्स की कोई भी डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाए, लेकिन एफ सी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तब हम कहते हैं इसको लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से अब बात करते हैं लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, ये हो गया। तो यहां हमने कुछ पॉइंट ले लिए, तो इनके बीच में कोई पॉइंट मैंने ले लिया सी, तो यहां होगा सी से कम सी माइनस एच और यहां सी से ग्रेटर होगा सी प्लस एच। तो देखो हम यहां क्या देखते हैं कि जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम होगी, इधर से भी और इधर से भी, जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम होगी अपने क्षेत्र में यहां, वो हमारे क्या होती है, लोकल मिनिमा वैल्यू होते हैं, यहां लोकल मिनिमा होगी, लोकल मिनिमा। तो यहां इसका मतलब होगा कि एफ सी हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा किससे, एफ एक्स से, अपने क्षेत्र में, नहीं एक्स कब बिलोंग करेगा, सी माइनस एच और सी प्लस एच को। अगर एफ सी लेस देन आ रहा है किससे, एफ एक्स से, तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, लोकल मिनिमा होगा। जिस पॉइंट पर वैल्यू सबसे कम होगी वो लोकल मिनिमा, चाहे हम कितने पॉइंट इसके इधर निकाल लें, यहां वैल्यू सबसे कम होगी। तो ये बात तो हमारी होगी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। नाम से पता पड़ रही, देखो आपका नाम है यहां मिनिमा, मिनिमा का मतलब हुआ कि ये मिनिमा प्लूरल शब्द है, और जब प्लूरल शब्द हो गया
तो इसका मतलब है इसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो गई। तो जब इसकी एक से ज्यादा वैल्यू आती है मैक्सिमम और मिनिमम, और उन सबके अपने क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमम। अब इसी को अगर हमें मैक्सिमा के स्थान पर कर दूं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब हो गया कि इन सबका हमने एक ओवरऑल निकाल लिया, कि ओवरऑल निकालने के बाद में जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो ये हमारा क्या होगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बट हम जैसा कि नाम चैप्टर का क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन इसमें कहीं भी डेरिवेटिव का यूज हुआ, डेरिवेटिव का यूज तो इसमें हुआ ही नहीं भाई। जब इसमें कहीं भी डेरिवेटिव का यूज नहीं हुआ तो हमको क्या करना है, हमें डेरिवेटिव का यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालनी है। अब डेरिवेटिव का यूज करके हम वैल्यू निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा की, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कराएंगे, उससे पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। वैसे अगर मैं आपको खाली बेसिक कॉन्सेप्ट ये ना समझा खाली इसके स्टेप्स बता दूं भाई आपको मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन ऐसे करने हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब है, मेरा मकसद आपको यह है कि इसका बेसिक समझाना यानी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबको कर सकते हैं, क्लियर। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हम चलते हैं आगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, पिछले चैप्टर में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग समझाया था। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू जिस पॉइंट पर टर्न होती है, यह कह दीजिए कि एफ डैश एक्स जिस पॉइंट पर जीरो के इक्वल आती है उसके बाद फिर टर्न होती है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए यहां पर है, यहां कोई पॉइंट ले लिया हमने सी, तो यहां सी जो पॉइंट है हमारा, यहां देखिए इससे क्या हुआ, यहां से ऊपर इंक्रीज वैल्यू क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है, तो एफ डैश एक्स हमारा जो होता है वो ग्रेटर देन होता है जीरो से, और तो यहां से फिर इधर वैल्यू अलग चेंज होती है, यहां एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये इंक्रीज और डिक्रीज में भी आप पढ़ चुके हैं, यानी सी से इधर पॉइंट जितने भी हम लेंगे यहां वैल्यू, यहां से इधर वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी और यहां से इधर डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जब यहां से इंक्रीज हो गई यहां डिक्रीज हो गई, लेकिन इसके बाद में यहां कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर यह लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई इसका मतलब है कि इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, जीरो हो जाएगी। जब स्लोप वो जीरो हो जाएगी, स्लोप का मतलब होता है डीवाई डी एक्स, मैंने पिछले टॉपिक में समझाया था, तो इसका मतलब यहां डीवाई डी एक्स जो होगा यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो जीरो हो जाएगा, या एफ डैश सी कह लीजिए कि ये जीरो हो जाएगा। और जहां एफ डैश एक्स जीरो होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, यानी कि टर्निंग पॉइंट। तो यहां से देखो वैल्यू क्या हुई, यहां वैल्यू इंक्रीज हुई और इसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी, और इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। यहां वैल्यू होती है सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मैंने बताया था अभी, लोकल मैक्सिमा यानी जो अपने क्षेत्र में यानी अपने एरिया में सबसे ज्यादा वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा, यानी कि वो अपने वहां का बॉस हो गया, उसको बोलते हैं लोकल
बॉस यानी अपने क्षेत्र का बॉस। तो इसी तरह से ये अपने क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम। तो यहां से ये हुआ एफ एफ डैश एक्स क्या हुआ पॉजिटिव से कहां जा रहा है एफ डैश एक्स चेंज एफ डैश एक्स साइन एफ डैश एक्स ये लिखो एफ साइन एफ डैश एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा मैक्सिमा हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल इसके अपोजिट क्या होगा नंबर वन तो ही होगा। नंबर टू अब बात करते हैं लोकल मिनिमा। इसके अपोजिट में आएगा बिल्कुल यहां यानी सी के इधर और सी के इधर ये पॉइंट हमने सी ले लिया एट एक्स इक्वल टू सी सी लिया पॉइंट। तो यहां से इधर वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर और यहां से इधर भी तो ये हो गया कि यहां वैल्यू क्या हो रही है लेस देन यानी डिक्रीजिंग हो रही है और यहां से वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। यहां पर होता है एफ डैश एक्स लेस देन जीरो यहां एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो और यहां होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट यानी ये पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो जब एफ डैश एक्स का जो साइन है नेगेटिव से कहां जा रहा है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो क्या होगा लोकल मिनिमम। तो एफ साइन एफ डैश एक्स चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव देन फंक्शन इज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी ये होगा। अब इसका करने का मेथड क्या है करने का तरीका क्या है इसको समझ लीजिए मैं इसके स्टेप समझा दूं। इसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद dy dx की वैल्यू निकालिए फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx या f डैश x और नंबर टू में f डैश x की वैल्यू जीरो पुट करिए और जीरो पुट करने के बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए यानी कि x की वैल्यू निकालिए फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जितनी भी एक्स की हमारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सारे निकालिए। उसके बाद हम क्या करते हैं नंबर थर्ड में क्या करना है आपको जो हमारे एक्स की वैल्यू है उनको प्लॉट करिए किस पर नंबर लाइन पर मेक द नंबर लाइन बनाइए एंड प्लॉट द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू को हम प्लॉट कीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें जैसे मान लीजिए नंबर लाइन ये हो गई या हमारा टू है कोई भी पॉइंट कोई टू आ गया मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई टू है और टू से इधर हम अगर देखें पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव आ रही है और अगर हम देखें तो इधर आ रही वैल्यू पॉजिटिव तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि इसका जो नेगेटिव से कहां जा रही पॉजिटिव की तरफ तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा किस पर सी इक्वल टू टू यानी टू पर क्रिटिकल पॉइंट यहां टू आ गया तो यहां से जो आ गया ये मिनिमम इस तरह से आ जाएगा। ये इस तरह से आएगा मिनिमम यानी नेगेटिव से कहां जा रहा है ये नेगेटिव से पहले इसका डिक्रीज हुआ और उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ और यहां वैल्यू होगी सबसे कम तो नेगेटिव से जा रहा है डिग्री नेगेटिव से जा रहा है पॉजिटिव की तरफ तो इसको बोलेंगे हम लोकल मिनिमा। अब सेकंड कंडीशन में अगर मैं इसी को मान लीजिए ये लेता हूं
कि यहाँ कोई वैल्यू हमारी है, कोई वैल्यू रेट के लिए कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, कोई भी आ गया, और इधर वैल्यू आ गई पॉजिटिव और इस क्रिटिकल पॉइंट के इधर आ गई नेगेटिव, तो यहां जा रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव तरह, इसका मतलब पहले प्लस का हुआ फिर माइनस का हुआ, यानी पहले वैल्यू इंक्रीज हुई और फिर वैल्यू डिक्रीज हुई। तो यहां जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, इसको बोलेंगे हम लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह से हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। ये तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पॉइंट आ गए। अब इसके बाद लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट है उस क्रिटिकल पॉइंट को गिवन फंक्शन में हम रख दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब चलते हैं हम मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहां थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, बिल्कुल यहां कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो क्या है, वैसे सबसे आसान जो मेथड होता है वो यही होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जो मैंने आपको बताया था पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा इसमें, यही समझिए कि यहां पर आपको करना क्या है, जो भी फंक्शन आपको गिवन हो, सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप्स लिखे दे रहा हूं, ये अगर ग्राफ से आप समझे तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया, लेकिन आपको करने कैसे ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है उस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू लेट कर लीजिए वाई, या एफ एक्स के टर्म में रहने दीजिए एंड डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू निकालिए इसमें dy ओवर dx की। उसके बाद नंबर टू में क्या करना है, dy ओवर dx की वैल्यू जीरो पुट करनी है, या fx के टर्म में लिया आपने तो fx की जीरो करेंगे और फिर हम वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x यहां, क्योंकि मैंने यहां वेरिएबल fx लिया है पर फंक्शन x के टर्म में, आप देख लेना वेरिएबल किसकी टर्म में, उसी की टर्म में आप जैसे मान लीजिए t की टर्म में है तो फिर t की वैल्यू निकालेंगे, r की टर्म में वेरिएबल हमारे r लिया है तो r की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर नंबर थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा डिफरेंशिएट करना है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है और क्या निकालना है हमें, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ये निकालना है भाई। अब जब डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद जो हमने x की वैल्यू हमने निकाली है, x की वैल्यू जितनी भी हमारी x की वैल्यू आई है सभी x की वैल्यू पर पॉसिबल है जो वैल्यू है, ये डी टू वाई ओवर डी एक्स टू वैल्यू देखते हैं, पुटिंग द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो x की पॉसिबल वैल्यू है एंड फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। उसके बाद जब x की वैल्यू हम रखेंगे डी टू वाई, मान ली x की टू वैल्यू आ गई तो टू वैल्यू रखनी है हमें, 3 आई है तो 3 रखनी है, 1 आई है तो 1 ही रखेंगे। तो इस तरह से जब डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आएगा तब हम देखेंगे इसमें, इफ डी टू वाई ओवर डी एक्स टू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा दैट इज पॉजिटिव, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू, डी टू वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, देन फंक्शन जो होगा हमारे पास, जो भी फंक्शन हमें निकालना है जो गिवन है, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम मैक्सिमा, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो लोकल मैक्सिमा, ओनली 1 वैल्यू है तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। नंबर टू,
अगर मान लीजिए डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है, इफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लेस देन जीरो, यह कह दीजिए नेगेटिव है, तो फंक्शन क्या होगा? लोकल मिनिमम। तो इस तरह से हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा चेक करते हैं, और उसके बाद लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू हमें निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू को हम गिवन फंक्शन में रख देते हैं। उसके बाद कंडीशन आती है, इफ ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, मान लीजिए ना नेगेटिव आए ना ही पॉजिटिव आए, हमारा जीरो आ गया, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू पे आ गया जीरो, तो हमें क्या करना है? देन जो हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आया उसका फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसका दोबारा डिफरेंशिएट करने के बाद निकालेंगे हम क्या, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री। और फिर क्या देखते हैं हम कि डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो नहीं है तो क्या कहेंगे, देन फंक्शन नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही ये मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। अगर जीरो आ जाता है फिर दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे फोर टाइम, फिर जीरो देखते हैं कि जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये कंडीशन होगी। वैसे फोर तक आएगा नहीं, यहाँ तक ही आएगा कोई आया तो इस तरह से ये हमारा होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपको तीनों मैंने क्लियर कर दिए। आपको जो क्वेश्चन करने हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही यूज करना है, क्यों आगे डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करके ही हमारा एक क्वेश्चन आता है 6 मार्च का 12th में, तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करोगे तो इजी भी होंगे और आगे प्रैक्टिस भी होगी। तो इसके आगे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं, देखिए इसको नोट कीजिए पहले। तो देखिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस। तो सबसे पहले जो भी फंक्शन है हमारा ये, इसको हम वाई लेट कर लेंगे 2x³ - 24x+, वैसे हम इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही यूज करो हमेशा। तो इसका डिफरेंशिएशन हम जब करेंगे, वैसे एक दो क्वेश्चन में आपको ये भी बता दूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का भी, डी वाई ओवर डी एक्स इसका हो जाएगा 2 × 3 = 6x² 24x का होगा 1 + 107 का, ये 0 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको सेकंड। उसके बाद मैंने सेकंड स्टेप बताया था कि डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को हमें क्या रखना है, 0 रखना है, और इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने, तो 6x³ - 24 = 0, तो यह 6x² = 24, 6 × 4 = 24, तो x² = +4, तो x की वैल्यू आएगी हमारे क्या, +-2। तो यहाँ हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 और -2। अब हमें देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पर आती है, देखिए। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में क्या आते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, किसका करना है, इसका डी टू वाई ऊपर डी एक्स टू हो जाएगा, 6 × 12x - 24 का होगा 0, तो ये आ गया 12x। अब इसमें x की जो हमारी जितनी वैल्यू हैं, x की वैल्यू अलग अलग रख के इसमें देखते हैं, एट x = 2 पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आएगा, ये आएगा 12 × 2 यानी कि 24। अब 24 देखिए कैसा है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से,
तो फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, सॉरी मिनिमम। अगर पॉजिटिव आता है तो होगा मिनिमम, बिल्कुल अपोजिट है इसमें। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम, नेगेटिव आए तो मैक्सिमम। तो मिनिमम होगा किस पर, एट एक्स इक्वल टू टू पर। नाउ अगेन अब क्या करना है, फिर दोबारा हमें दूसरी वैल्यू रखनी है क्या, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो माइनस टू पर देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स टू क्या आएगा, ट्वेल्व माइनस टू तो माइनस होगा ट्वेंटी फोर, तो इसमें क्या आया, ये नेगेटिव हो गया। और जब नेगेटिव है तो ये होगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये लेस देन होगा जीरो से, तो कैसा होगा फंक्शन, फंक्शन होगा हमारा एज मैक्सिमम किस पर, एट एक्स इक्वल टू माइनस टू। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी अगर निकालनी है तो ये दोनों वैल्यू, एक्स की वैल्यू जब प्लस टू रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी, जब एक्स की वैल्यू माइनस टू रखेंगे तो मैक्सिमम आएगी। तो देखिए एक्स इक्वल टू टू पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे तो वाई इक्वल टू आएगा, यहाँ टू रख दीजिए, टू टू जा फोर टू जा एट, एट टू जा होगा सिक्सटीन, यहाँ टू रख दीजिए ट्वेंटी फोर टू जा फोर्टी एट प्लस वन हंड्रेड सेवन, ये वाई इक्वल टू कितना आया, तो ये आ गया हमारा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, एट में सिक्स टू, फोर में से वन थ्री आ गया, माइनस थर्टी टू प्लस वन हंड्रेड सेवन, सेवन में से टू हो गया फाइव, टेन में से थ्री माइनस होगा सेवन, ये पॉजिटिव आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी कैसी, एक्स की वैल्यू हमने टू रखा था, टू पर क्या था मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी हमारी, मिनिमम वैल्यू। उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू माइनस टू रखना है, एट एक्स इक्वल टू टू, यानी एक्स की वैल्यू टू माइनस टू, ये पुट करना है इसमें, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वाई इक्वल टू माइनस टू का क्यूब हो जाएगा माइनस एट, तो माइनस के होगा सिक्सटीन, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा फोर्टी एट, भाई माइनस का यहाँ पे वैल्यू रख दी टू और माइनस यहाँ पे प्लस, और प्लस वन हंड्रेड एट, सॉरी वन हंड्रेड सेवन, तो इसमें से इसको प्लस किया थर्टी टू प्लस वन हंड्रेड सेवन, सेवन टू नाइन थ्री वन, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, किस पर आई थी एक्स इक्वल टू माइनस टू पर, देख लीजिए वैसे ही वन हंड्रेड थर्टी नाइन, ये आ गया सेवेंटी फाइव, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आपको इस तरह से करने, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप निकाल कर देखिए। उसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बताने वाला हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। तो ये आपके तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस पर बेस सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, उनमें हमको क्या करना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान होगा, मेथड सब में यही लगेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला ही। बस केवल क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन में सबसे पहले ये ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में जो चीज़ हमको गिविन होगी, यानी जिसकी वैल्यू हमको गिविन होगी, उसको हमें कॉन्स्टेंट ऐड करना है, और जिस वेरिएबल को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना होगा, जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम मैक्सिमम करवा सकता है, किसी में सरफेस एरिया मैक्सिमम करवा सकता है, किसी में पेरीमीटर मैक्सिमम करवा सकता है या मिनिमम करवा सकता है, तो जो वैल्यू हमको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करनी होती है, उस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितनी भी पॉसिबल इक्वेशन बन सकती हैं वो इक्वेशन बनाते हैं। तो जो वैल्यू हमको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करनी होती है, उस इक्वेशन को केवल एक ही वेरिएबल की टर्म में चेंज करते हैं, और जिस वेरिएबल की टर्म में हमने चेंज किया है उसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, फिर उसमें उसकी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, फिर डबल डिफरेंशिएट करना है, फिर उसकी वैल्यू को रखकर चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, उसके बाद सारे रूल ऐसे ही होंगे। केवल यही ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हमको गिविन है उसको क्या करना है, कॉन्स्टेंट लेट करना है, और जिस वैल्यू को मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना हो उसको हमें आगे लेके बढ़ना है, इसका मतलब है उसको डिफरेंशिएट करना है, और उसको डिफरेंशिएट करने से पहले उसको हमें एक ही वेरिएबल की टर्म में चेंज करना है। बाकी में सारी चीज़ें और
क्वेश्चन को क्लियर करके बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।